नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज पूरा देश का जो खबर है वो केवल किसान आंदोलन के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमारे देश के राष्ट्रीय नेता हैं बहन मायावती जी ने, और उन्होंने जोरदार तरीके से केंद्र सरकार के सामने अपना विरोध जताया है। और तो और, अब ये किसान आंदोलन का जो न्यूज है ये ग्लोबल न्यूज हो गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अब डिस्कस होने लग गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, जो कि राजधानी का बॉर्डर का एरिया है और जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर पहुंचना अब आम बात नहीं हो गई है। कम से कम 5-6 किलोमीटर जो है पैदल चलना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि बहन मायावती जी ने साफ साफ कहा कि जो कटीले तार और कीले बिछाई जा रही है हाईवे के ऊपर, जो दिल्ली पुलिस जितनी मेहनत कर रही है और हमारी सरकार जितना मेहनत कर रही है, अगर यह देश की सीमाओं पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर इतनी मेहनत करें तो आतंकवादी हमारे देश में घुसपैठिए हमारे देश में नहीं आएंगे। परंतु किसानों के खिलाफ इतनी जोरदार किलेबंदी और हाईवे को रोकना, सीमेंट का बनाना, कुल मिलाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? आम जनता और हमारे देश के किसान जो मतदाता हैं, उनके मन में कौन सा भाव पैदा करना चाहती है? केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। पिछले बजट सत्र में कई दिनों से सदन में कामकाज नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन ही मुख्य मुद्दा बन जाता है। देश के बाकी मुद्दे इसके सामने गौण हो गए हैं, और सरकार को चाहिए कि तुरंत ये कृषि बिल वापस ले, किसानों को समझाए, उनसे प्यार से बातें करें और वो अपने अपने घर को जाए। अब रही बात ये, हमारे देश का जो लोकतंत्र है, जो राजनीति है, लगता है कहीं न कहीं से हमारी राजनीति भटक गई है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कैसे बना? जो एक अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार है रिहाना, उसको उर्दू में रियाना कहते हैं और इंग्लिश में उसे रिहाना कहते हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि किसान आंदोलन के बारे में हम क्यों नहीं बात करते हैं, जो भारत के अंदर किसान आंदोलित हैं। और उस ट्वीट के खिलाफ पूरा बॉलीवुड उतर गया। कंगना रनावत ने उनको सलाह देने लग गई और कहते कहते ये कह गई कि ये किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं। क्या अब हमारी ऐसी धारणा बन गई है कि राजधानी में सरकार के सामने कोई आवेदन करे, कोई आंदोलन करे, उसको आतंकवादी कहा जाएगा? क्या आप आतंकवादी कहकर संबोधित करेंगे? और कंगना रनौत जी को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर फिल्मों में आपका कोई काम नहीं मिल रहा है तो आप जो है अपना प्रोफेशन बदल लें, लेकिन बेवजह किसानों को टारगेट ना करें। ये हमारे अन्नदाता हैं, इनकी थोड़ी छोटी बहुत मांग है। ये कहते हैं जो बिल हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्यों थोप रहे हो? तो नहीं दीजिए इनको कृषि बिल, आप इनकी सुविधा के लिए ही तो बनाए होंगे। जो कानून बनाया जाता है आम जनता की सुख सुविधा के लिए। अगर इन्हें ये पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं से भय और संशय है, तो कृषि बिल वापस कर लेनी चाहिए। और जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं वो किसानों के खिलाफ जो बोल रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टार को जवाब दे रहे हैं, ये वो भूल गए कि इस देश के जितने भी हिंदी भाषी बेल्ट हैं, सारे किसान के बच्चे ने आपकी फिल्में देखी, आपको स्टार बनाया। आज जब उनके मुद्दे सामने आए तो आप उनके खिलाफ खड़े हो गए और सत्ता के समर्थन में उतर आए हैं। ये सबसे बड़ा मूल प्रश्न है। एक बात की और भी हंसी आती है, जब हम फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, तो कई बार क्या होता है, किसी ट्वीट को लिखने के बाद हम हैशटैग लगाते हैं। हैशटैग लगाने का तात्पर्य यह है कि शायद मेरी बातों में दम नहीं है, हम छोटे आदमी हैं, और हैशटैग लगा देंगे तो यह ट्वीट ट्रेंड करेगा, दुनिया के सामने जाएगी, लोग मेरे ट्वीट को देखेंगे। अब विदेश मंत्रालय भी हैशटैग लगाने लग गई है। इतने बुरे दिन आ गए हमारे देश में कि सरकार भी कोई ट्वीट करेगी तो हैशटैग लगाएगी, आम जर्नलिस्ट की तरह, आम लोगों की तरह, कि हैशटैग लगाओ ताकि दुनिया देखे इस ट्वीट को। और विदेश मंत्रालय अब एक सेलिब्रिटी के ऊपर सफाई देंगे। रही बात ये कि रेहाना एक नॉर्मल सेलिब्रिटी नहीं है, करीब करीब उनके
10 करोड़ फॉलोअर्स हैं। ऐसे और बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास मात्र 6 करोड़ फॉलोअर्स हैं और उनके एक ट्वीट ने हंगामा मचाया। उसके बाद धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई शख्सियत सामने आ गए। कमला हैरिस जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी भांजी मीना हैरिस ने भी ट्वीट कर दिया और ये कह दिया कि देश के किसान, चाहे वो किसी भी देश के हों, उसके समर्थन में होना चाहिए और ये उग्र राष्ट्रवाद का विरोध होना चाहिए, इससे अमेरिका भी अछूता नहीं है। इस तरह का उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब रही बात ये कि पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये चर्चाएं हो रही है। आप अगर ये सोचते होंगे कि किसान आंदोलन में मुट्ठी भर किसान होंगे और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे होंगे अथवा सिंघू बॉर्डर पर बैठे होंगे, टिकरी बॉर्डर पर बैठे होंगे और वो तमाशे कर रहे होंगे और जाकर देख लेंगे, यह संभव नहीं है। क्योंकि जहां उनका पूरा का पूरा भीड़ इकट्ठा है, ये लाखों में है, कम से कम 5-10 लाख लोग होंगे तीनों तरफ मिलाकर, और उतना ही एरिया जो है चारों तरफ से सील है। अगर आप स्थल तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर आंदोलन हो रहा है, तो कम से कम 5-6 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस रोक देती है और कई बार तो घूम के जाना पड़ता है। जैसे कि मैं भी गाजीपुर बॉर्डर पर जब गया तो आनंद विहार बस अड्डा उतरने के बाद और कौसाम्बी बस डिपो के बगल से रास्ता निकल रहा था और फिर गाजियाबाद में अंदर घुसने के बाद हाईवे पर गया। कहने का तात्पर्य यह है, सीधी तरीके से कोई भी आप ऑटो पकड़ के, कोई भी आप गाड़ी पकड़ के आंदोलन तक नहीं जा सकते, पुलिस आपको रोक देगी। और पुलिस की तो ये कार्रवाई हो रही है कि बाकी रास्ते भी जाम कर दो, कीले बिछा दो, कटीले तार बिछा दो, ताकि आम जनता आतंकित होने लगे और इनको भला बुरा कहे। इस तरह की परियोजना बनाई जा रही है। सरकार को चाहिए तुरंत इन किसानों से बात करे और इनकी बात करने के बाद इस मुद्दे को सुलझा ले। विकास के बहुत सारे कार्य पेंडिंग हैं, सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए। आज प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला में जो कार थी, पीछे से कई कार चल रही थी, वो आपस में टकरा गई। ऐसे हताहत की कोई सूचना नहीं है और इस तरह से वहाँ पर कोई जो है जख्मी नहीं हुआ। और ये जा रही थी रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर जा रही थी। और इस तरह से पूरे देश से जो खबरें आ रही, जितनी भी खबर है, सब दब रही है, केवल किसान आंदोलन सबसे आगे उभर कर आ जाती है। किसान आंदोलन धीरे धीरे आम आंदोलन बनती जा रही है। देश के जितने भी एडवोकेट्स हैं, सर्वोच्च न्यायालय के डॉक्टर्स भी हैं और सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट, सब के सब किसान आंदोलन से जुड़ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ने तो पहले से ही ऐलान कर दिया कि हम किसानों के साथ हैं। आम जनता का अब सरोकार दिखने लग गया है। प्रश्न यह उठता है कि सरकार अपनी साख बचाने के लिए इन किसानों के पास जाए, इनकी जो भी मांग है, जो भी आंदोलन है, उससे वार्ता करें, इनके मांग को सुने, तीनों कृषि बिल वापस ले, अन्यथा आज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत के कम से कम 10 सेलिब्रिटी उतर गए हैं किसान आंदोलन के समर्थन में। आप भले ही कहते रहें ये मेरा आंतरिक मामला है, तो फिर अमेरिका के चुनाव में आपने उंगली क्यों घुसाया? पहला प्रश्न। दूसरा, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो भी मामले हैं उसमें क्यों बात करते हैं? सबसे अलग कर ले, पूरी दुनिया से अलग कर ले, क्योंकि दुनिया जब देखती है तो उस पर कमेंट्स करती है। और अपने आप को बचाना अगर आप चाहते हैं तो अपने किसानों से बात करें। ये भारतीय किसान हैं, ये आपके किसान हैं, इन्होंने आपको वोट दिया है, इनसे बात करने में शर्म किस बात की? यहाँ राजनीति ना ढूंढे, ये कहकर जान ना छुड़ाए कि चंद किसान है। धीरे 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 धीरे, जैसे कि कल जींद में महापंचायत लग गई, हर राज्य में महापंचायत लग रही है और किसान एकजुट होते जा रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस पार्टी से तंग आकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई थी ये जनता, ये किसान, ये आम जनता, ठीक उसी तरह ऐसा दिखने लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब विपक्ष में भेजने की तैयारी कर रही है। 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, किसान हमेशा भाजपा के खिलाफ रहे। जो जुल्म वहाँ पर उसने सहा है, जैसे कि आज यहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश में भी किसान डटे हुए हैं,
सोशल मीडिया वाले, वेब पोर्टल वाले अपनी जान हथेली पर रखकर और किसान आंदोलन के स्थल तक पहुंचते हैं, वहां से उनकी फुटेज लेते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। मुट्ठी भर पत्रकार जो आपकी गोदी मीडिया के हैं उनको आपने कंट्रोल कर लिया। फेसबुक, ट्विटर और बाकी जितनी भी सोशल मीडिया की साइट है, जो यूट्यूब चैनल्स पत्रकार हैं, उनको आप कैसे रोक पाएंगे? ये एक विषम परिस्थितियां बनती जा रही है सरकार के सामने, और सरकार को अविलंब सोचना होगा कि किसान आंदोलन को किसी तरह खत्म करवाया जाए, इन किसान नेताओं से बात किया जाए। अब तो लोग ये भी कहने लग गए हैं कि आप डकैत के साथ हो अथवा डकैत के साथ हो, इस तरह के भद्दे भद्दे शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं और देश की जनता सब देख रही है। आपको दो चार हाईवे पर कीले गाड़ने से या कटीले तार लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सीधे किसान के पास जाएं, उनसे बात करें, उनकी जो समस्या है वो सुने और तीनों कृषि बिल को वो वापस कर लें, क्योंकि किसान नहीं चाहते हैं। आपके अर्थव्यवस्था यही किसान पूरी मजबूती देंगे अगर आप इनकी बात सुन लेंगे, अन्यथा जो सोच कर कृषि बिल लाई जा रही है वह सोच पूरी नहीं होते दिख रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम बिल्कुल जमीनी हकीकत आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।